वेलकम बैक फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आज मैं क्लास 12th जनरल इंग्लिश परीक्षा बोर्ड मॉडल पेपर का डी सेक्शन एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। आशा करता हूं कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आता है दोस्तों तो हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन अवश्य दबा लें, जिससे हमारे द्वारा बनाए जाने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। तो फ्रेंड्स बिना देर करते हुए मैं इसकी शुरुआत करता हूं। सेक्शन डी क्लास 12th जनरल इंग्लिश टीम होल। टीम को कौन बनाता है? तो अ टीम कॉपरेशन, यहाँ दोस्तों आप कर सकते हैं यूनिटी और कॉपरेशन। तो कॉपरेशन मेक्स अ टीम होल या वर्किंग टुगेदर, वर्क टुगेदर इज मेक्स, वर्क टुगेदर मेक्स अ टीम होल या यूनिटी मेक्स अ टीम होल, इसके आंसर में आप लिख सकते हैं दोस्तों व्हाट मेक्स अ टीम होल। तो आंसर वर्किंग टुगेदर मेक्स अ टीम होल। तो यहाँ वर्किंग टुगेदर के प्लेस पर कोऑपरेशन या यूनिटी वर्ड का भी आप यूज कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मेडिटेशन, ध्यान का सरलतम तरीका क्या है? तो फोकसिंग ऑन ब्रीथिंग इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मेडिटेशन। फोकसिंग ऑन ब्रीथिंग इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मेडिटेशन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाउ डू द पोएट सेज अबाउट द पास्ट एंड फ्यूचर। The poet is said that past is dead, so it should be buried. कभी कहता है कि past is dead, अर्थात भूत मृत के समान है। भूत क्या है? मृत है। So it should be buried, इसलिए इसको दफन कर देना चाहिए, भुला देना, अर्थात भुला देना चाहिए। About future He says it cannot be trusted, और भविष्य के बारे में वह कहता है इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। And about future he says it can't be trusted, भविष्य के बारे में वह कहता है कि it can't be trusted, इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। And next question इज हु टुक द किड्स इन टू द रेस्टोरेंट। हु टुक द किड्स इन टू द रेस्टोरेंट। तो इसका जो क्वेश्चन होगा दोस्तों, द ट्रक ड्राइवर टुक द किड्स इन टू द रेस्टोरेंट। ट्रक ड्राइवर टुक द किड्स इन टू द रेस्टोरेंट, अर्थात ट्रक ड्राइवर बच्चों को रेस्टोरेंट में ले गया था। एंड क्वेश्चन नंबर फाइव, हाउ डिड जमशेद जी फुलफिल हिज ड्रीम्स। जमशेद जी ने अपने स्वप्न को कैसे पूरा किया? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, जमशेद जी पुट टुगेदर अ टीम। जमशेद जी ने टीम वर्क किया, रेस्ड अ कैपिटल, अपनी कैपिटल को बढ़ाया, क्रिएटेड अ प्रोडक्ट एंड मेनस्ट्रीम, क्रिएट अ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बनाया अपना एंड मेनस्ट्रीम इट, दस ही फुलफिल्ड ही, और एक लोगों की धारा प्रभावित कर दी, दस ही फुलफिल्ड हिज ड्रीम्स, अर्थात उन्होंने अपने स्वप्न को
पूरा किया एंड क्वेश्चन नंबर 14 का लास्ट क्वेश्चन है वी आर इज चित्रकूट सिचुएटेड वी आर इज चित्रकूट सिचुएटेड चित्रकूट इज सिचुएटेड इन नॉर्थर्न स्पर्स ऑफ द विंध्या चित्रकूट इज सिचुएटेड इन नॉर्दर्न स्पर्स ऑफ विंध्या चित्रकूट भारत के उत्तरी विंध्याचल में स्थित है चित्रकूट भारत के उत्तर विंध्याचल में स्थित है। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 जो कि लॉन्ग क्वेश्चन में आता है जो 4 मार्क्स में आपको आएगा जिसमें 2 क्वेश्चंस आएंगे एक आपको करना होगा व्हाट इज ऑथर सेज योर हार्ट इज एन स्मार्ट एज एन यूएस आर्मी और सेकंड क्वेश्चन इसमें राइट अ सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम रिस्क तो फर्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज द ऑथर सेज योर हार्ट इज जस्ट एज स्मार्ट एज एज द यूएस आर्मी द यूएस आर्मी इज वेरी स्मार्ट यूएस आर्मी बहुत ही स्मार्ट है आवर हार्ट इज जस्ट एज ए स्मार्ट एज ए यूएस आर्मी हमारा हृदय भी उसी तरीके से स्मार्ट है जैसे कि यूएस आर्मी आवर हार्ट पंप्स इनफ ब्लड थ्रू आवर बॉडी एवरी डे सफिशेंट टू फिल अ रेलवे टैंक कार हमारा हार्ट पंप इनफ ब्लड इतना ब्लड पंपिंग करता है थ्रू ऑफ द बॉडी बॉडी के द्वारा कि एवरी डे सफिशेंट टू फिल अ रेलवे टैंक कार्स एक रेलवे टैंक टैंकर्स रेलवे टैंकर्स को भर सकते हैं इट एक्सपर्ट इनफ एनर्जी एवरी 24 आवर्स टू शॉल 20 टन्स ऑफ कोल टू अ प्लेटफॉर्म 3 फीट हाइट और यह इतनी ऊर्जा उत्पन्न करता है कि 24 आवर्स टू शॉल 20 टन ऑफ कोल जो कि 20 टन कोयले के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न की जाती है इतनी ऊर्जा हमारा शरीर उत्पन्न करता है प्लेटफॉर्म 3 फीट हाई एक प्लेटफॉर्म पर 3 फीट हाई कोल का और दिस इनक्रेडिबल अमाउंट ऑफ वर्क फॉर 50 इट डज दिस इनक्रेडिबल अमाउंट ऑफ वर्क 50, 70 और मे बी 90 ईयर्स और इस तरीके से वो 50, 70 और 90 साल तक करता है सो वी से आवर हार्ट इज वेरी स्मार्ट इसलिए हम कहते हैं कि हमारा हार्ट बहुत ही स्मार्ट है। अब दोस्तों इसका लास्ट क्वेश्चन है डी सेक्शन का राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ रिस्क क्योंकि लॉन्ग आंसर से बिलोंग करता है इट कैरी 4 मार्क्स तो दोस्तों क्वेश्चन है राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम रिस्क नो गेन नो रिस्क नो गेन गोज द सेम ऐसा कहा जाता है कि रिस्क जोखिम नहीं तो फायदा नहीं मैन डज नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन मनुष्य जन्म से अकेला नहीं रहता है सही द बाइबल बाइबल कहता है कि मनुष्य जन्म से अकेला नहीं रहता नीड्स ऑफ मैन आर वेरियस टाइप्स मनुष्य की आवश्यकताएं विभिन्न प्रकार की हैं दे आर फुलफिलमेंट रिक्वायर्स हार्ड वर्क और उनको पूरा करने के लिए कठिन परिश्रम की आवश्यकता होती है एंड देयर आर मैनी हैजार्ड ऑब्स्टेकल्स
एंड रिस्क, और यहाँ कई रुकावटें, कठिनाइयाँ, रुकावट जोखिम है। नेचर पुट्स चैलेंजेस एंड ऑब्स्टेकल्स बिफोर हिम, प्रकृति उसके सामने चेतावनियाँ और रुकावटें उत्पन्न करती है। एंड इन दिस वे हिज एबिलिटी इज डेवलप्ड, इस तरीके से उसकी योग्यता में सुधार होता है। देयर इज ए रिस्क इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, जीवन के हर क्षेत्र में जोखिम है। टू अचीव समथिंग वन विल हैव टू टेक रिस्क, कुछ पाने के लिए किसी को रिस्क लेना ही पड़ेगी। टू अचीव समथिंग वन विल हैव टू रिस्क टेक रिस्क, जीवन में कुछ पाने के लिए किसी को जोखिम लेना ही पड़ेगी। अ मैन हु फियर्स टेकिंग रिस्क गेट्स नथिंग, व्यक्ति जो जीवन में जोखिम लेने से डरता है जीवन में कुछ नहीं पाता है। द ग्रेटेस्ट रिस्क इन द लाइफ इज नॉट टू टेक रिस्क, जीवन में सबसे बड़ी जोखिम है जोखिम नहीं लेना। तो दोस्तों, इस तरीके से हमारा ये डी सेक्शन कंप्लीट होता है, और मैं आशा करता हूँ कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया दोस्तों, तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन अवश्य दबाने, जिससे हमारे द्वारा बनाए जाने वाले प्रत्येक वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।